नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 43 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा है 43 नंबर में कि द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 8.2 एंड 8.5। क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक मान लीजिए सपोज दैट ये पूल है, स्विमिंग पूल समझिए या पूल समझिए, तो पानी है यहाँ पे। कह रहा है कि इसका वाटर का जो एसिडिटी लेवल है सो कह रहा है कि नॉर्मल कब माना जाता है, जब उसका पीएच रीडिंग जो है सो 8.2 और 8.5 के बीच में रखा जाता है, तो एसिडिटी लेवल को मैनेज करने के लिए। ओके, तो नॉर्मल कब माना जाता है, जब 8.2 और 8.5 के बीच में इसका पीएच वैल्यू का रीडिंग रहता है। तो ठीक है, इफ 3 दिन का कह रहा है, ठीक है, थ्री डेली मेजरमेंट्स कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टू पीएच रीडिंग्स आर 8.48 एंड 8.35। कह रहा है कि फर्स्ट दो दिन का जो है रीडिंग है, पहला दिन का 8.48 है और दूसरा दिन का कितना है 8.35 है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग, तो अगर तीसरा दिन का फाइंड कीजिए, दैट विल रिजल्ट इन द एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल। तीसरा दिन का रीडिंग बताइए कि कितना होगा, जिससे उसका एसिडिटी लेवल जो है क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल मतलब क्या हो गया कि उसका एसिडिटी लेवल जो है मतलब बढ़े नहीं, नॉर्मल हो जाए। सो पीएच वैल्यू क्या रहे, नॉर्मल रहे। अब मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट दिन का इतना दिया गया, सेकंड दिन का इतना दिया गया, थर्ड दिन का रीडिंग तो हम लोगों को दिया नहीं गया है। लेट कर लेंगे कि लेट पीएच वैल्यू ऑफ थर्ड डेज बी एक्स। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है इसका जो तीन दिन का जो एवरेज है तो इसके और इसके बीच में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो एवरेज होता है क्या, देखिए एवरेज होता है, जानते हैं एवरेज जो होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज देखिए पहला दिन का कितना है 8.48, पहला दिन का रीडिंग कितना 8.48 है, सेकेंड डेज का कितना 8.35, थर्ड डेज का क्या माने x माने है, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 4 7 और 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 16.83 और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड डेज का इसका एवरेज क्या दिया गया है कि 8.2 से बड़ा और 8.2 और 8.5 के बीच में इसका क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि थ्री डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 8.2 एंड 8.5, मतलब 8.2 और 8.5 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो अब इसका देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि इसका जो एवरेज रीडिंग होना चाहिए, यानी कि एवरेज यहाँ पर क्या देखिए, एवरेज क्या होना चाहिए 8.2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा किस होना चाहिए 8.5 से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका जो एवरेज होना चाहिए सो मतलब इसके और इसके बीच में होना चाहिए, तो वही लिखे हैं कि एवरेज जो है तो इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। ओके, आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए एवरेज का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे, देखिए ये हो जाएगा हम लोग 8.2 एवरेज कितना आया 16.83 प्लस एक्स अपॉन में 3 लेस देन 8.5,
ओके अब दोस्त देखिए यहाँ पे दो इनइक्वालिटी आ गया और लेफ्ट और राइट में क्या नंबर है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन तो हम लोग देखे थे। यहाँ पे बीच में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक्स बचाना है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पर क्या है, यहाँ पे थ्री है, थ्री यहाँ से पहले हटाएंगे, थ्री से पहले क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई थ्री इन ईच टर्म, इन ईच टर्म। देख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.3 इंटू में 3 हो जाएगा लेस देन, ये हो जाएगा 16.83 प्लस एक्स अपॉन में 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके अब इसे आगे देखिए, फिर लेस देन ये हो जाएगा 8.3 इंटू 3। अब आगे देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 3 जा 6.28 जा 16.6 हो जाएगा। ओके सॉरी 3 2 जा ये हो जाएगा हम लोग को 3 2 6 और 3 8 जाए 24, 24.6 हो जाएगा। ये 3 3 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.83 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3 5 जाए 15 और 3 8 जाए 24 1 25, ये हो जाएगा 25 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स बचाना है, तो यहाँ से इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा इस पार्ट को, इतना हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इस टर्म में, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 16.83 इन ईच टर्म, क्योंकि जब हम लोग दो इनइक्वालिटी रहेगा तो हम साथ में रहेगा लेफ्ट राइट में सिर्फ नंबर रहेगा, तो हम लोग उसको इसी तरह से सॉल्व करते, इस तरह क्वेश्चन हम लोग देखे भी थे। इसको 16.83 माइनस कीजिए, देखिए 24.6 माइनस 16.83 लेस देन 16.83 प्लस एक्स एज इट इज, इसमें भी हम लोग क्या 16.83 माइनस कर दिए लेस देन, ये हो जाएगा 25.5 माइनस 16.83। क्या किए हैं इसमें से, इसमें से और इसमें 16.83 को हम लोग क्या किया माइनस कर दिए। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे, देखिए तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है, और 24.6 में से देखिए 24.6 में से यह 24.6 इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 16.83, यहाँ 0 10 में 3 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा हम लोग को 17 17 में से सॉरी ये हो जाएगा हम लोग 15 15 में से 8 जाएगा तो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉइंट ये 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.77 हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 7.77 लेस देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा लेस देन कितना 25.5 में से, ये 25.5 में से हम लोग को माइनस करना है कितना 16.83 ये 0 हो गया, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 14 14 में से 8 जाएगा तो जाएगा 6 पॉइंट, ये हो जाएगा हम लोगों को 14 14 में से 6 जाएगा तो 8 8.67 हो जाएगा 8.67। अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखिए जो थर्ड रीडिंग होना चाहिए तो क्या होना चाहिए 7.77 से बड़ा होना चाहिए और लेस किससे होना चाहिए 8.67 से, या आप लास्ट में आप लिख सकते हैं कि थर्ड रीडिंग देयरफॉर थर्ड रीडिंग वैल्यू लाइज बिटवीन 7.77 एंड 8.67। तो ये इसका आंसर हो गया कि जो थर्ड रीडिंग होना चाहिए तो क्या होना चाहिए 7.77 एंड 8.67 के बीच में होना चाहिए। आई होप दोस्तों क्वेश्चन 43 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको मिल भी सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए एक्चुअली कहा क्या रहा था, देखिए फिर से एक बार समझिए कि ये हम लोगों क्या था, ये क्या था पुल दिया गया था हम लोगों को, या स्विमिंग पूल समझिए। इसमें क्या है कि हम लोगों को एसिडिटी लेवल को क्या करना था मैनेज करना था ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो एसिडिटी लेवल होना चाहिए पीएच वैल्यू जो होना चाहिए सो इसके 8.2 और 8.5 के बीच में होना चाहिए ठीक है एवरेज इसका। साथ में दिया गया कि फर्स्ट टू डेज का जो रीडिंग जो है मतलब इतना दिया गया है इतना और इतना, थर्ड डेज का रीडिंग कितना होना चाहिए कि इसका पीएच वैल्यू जो है सो नॉर्मल रहे, सो कहने का मतलब है। इसी तरह से हमने क्या कि इसको एवरेज पहले निकाल दिए और वो एवरेज जो है इसके और इसके बीच में रख दिए, फाइनल इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि ए मैन्युफैक्चरर हैज 640 लीटर ऑफ ए 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। क्या कह रहा है दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर है जो बोरिक एसिड बनाता है, उसमें क्या कह रहा है, 640 लीटर क्या है, 8% है बोरिक एसिड का, ठीक है, 640 लीटर का 8%। कह रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। कह रहा है कि कितना जो है परसेंट जो है सो कितना लीटर जो है सो 2% बोरिक एसिड का हम लोग इसमें ऐड करेंगे, सो दैट द बोरिक एसिड कंटेंट्स इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। और दोस्त देखिए क्या कह रहा है कि उसका रिजल्टिंग मिक्सचर जो है सो क्या हो जाए 4% से ज़्यादा लेकिन 6% से कम हो। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए सपोज एक कंटेनर है जिसमें क्या है बोरिक एसिड है, क्या है बोरिक एसिड। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप अच्छा समझिएगा, बोरिक एसिड है कितना है 8%, ओके, कितना लीटर है ये 640 लीटर हम लोगों को दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर हैज 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, इतना तक समझ में आ गया। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एडेड। एक और कंटेनर है जिसमें दूसरा बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड 2% है, ओके, इसमें से कह रहा है कितना इसमें लीटर ऐड किया जाए, इसमें से 2% बोरिक एसिड का कितना लीटर इसमें ऐड किया जाए, इसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इस दोनों से कंबाइंड होकर, मान लीजिए रिजल्टिंग मिक्सचर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ये बना, ये क्या है रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये है हम लोगों को रिजल्टिंग मिक्सचर, यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर। क्या कह रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर जो है मतलब 4%, 4% से बड़ा होना चाहिए, इधर हम लोग कर देते हैं ग्रेटर देन 4%, लेकिन क्या रहना चाहिए 6% से लेस, 6% से लेस हो जाएगा। फिर समझिए यहाँ पे एक बोरिक एसिड था, बोरिक एसिड सॉल्यूशन था जिसमें क्या कह रहा है 640 लीटर था 8%, 2% बोरिक एसिड था, इसमें से कह रहा है 2% बोरिक एसिड कितना इसमें ऐड किया जाए, इसका रिजल्टिंग मिक्सचर जो है 4% से बड़ा लेकिन 6% से छोटा हो। तो मान लेते हैं कि 2% बोरिक एसिड का मान लीजिए एक्स लीटर हम लोग क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या है यहाँ पे, देखिए ये क्या है यहाँ पे, देखिए 2% बोरिक एसिड का हम लोग क्या कि एक्स लीटर इसमें ऐड किए हैं, तो पहले कितना था 640 था, इसमें से एक्स हम लोग ऐड किए हैं, इसका रिजल्टिंग मिक्सचर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 640 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 640 प्लस क्या हो जाएगा एक्स लीटर हो जाएगा, क्योंकि 640 तो ऑलरेडी था ही, इसमें क्या कर रहे हैं एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, इसका रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा 640 प्लस एक्स हो जाएगा, ओके, इतना एक्स लीटर तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, सो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड इज एडेड। पूछ रहा था कितना लीटर 2% का बोरिक एसिड हम लोग ऐड करेंगे, तो लेट कर लिए कि एक्स लीटर जो है हम लोग उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा, सो यहाँ पर समझिए, देखिए क्या है यहाँ पे 8% ऑफ 640 लीटर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8% ऑफ 640 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2% ऑफ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 2% ऑफ एक्स हो जाएगा, ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले हम लोग इस कंडीशन को यहाँ पे लेते हैं ग्रेटर देन वाले को, यहाँ पे क्या है कि 640%, 640 प्लस एक्स है ना, आप 640 प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है सो 4% से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन, ये पहला इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, या फिर समझिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 8% ऑफ 640 प्लस ये हो जाएगा 2% ऑफ
एक्स हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि रिजल्टिंग मेजर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4% होना चाहिए इसका, ये पहला इक्वेशन हमारा बनेगा। फिर नेक्स्ट में क्या रहेगा, ये चीज़ यही रहेगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 6% ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये केस वन हो गया, केस वन। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, केस टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोनों को। केस टू में क्या हो जाएगा, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स लेस देन हो जाएगा 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फाइनल क्या हो जाएगा, हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग आते हैं इससे, फ्रॉम फर्स्ट देखिए, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स, यहाँ बीच में प्लस इसलिए हुआ ताकि यहाँ पे क्या करा कि इसको करें इसमें ऐड करने के लिए, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये यह रहेगा इक्वल टू में रहेगा, ठीक है, या ग्रेटर देन लेस देन जो यहाँ कंडीशन यहाँ पे दिया गया उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, देखिए आप कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 8% का मतलब होता है 1/100 ऑफ, मतलब होता है 640 ऑफ, मतलब इंटू ये 640 प्लस 2 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन 4 इंटू परसेंट मतलब 1/100 और इंटू मजा 640 प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिए ये 100 है यहाँ पे और 100 यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 1/100 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, डेट आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या 1/100 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 800, 8 4 32 और 8 6 48 और 351 हो जाएगा, ओके प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × x 2x हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4/100, इसको ऐसे कर लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 को 0 से किया 0 4 4 16 और 4 से 24 और 125 हो जाएगा, सॉरी 4 को 0 से किया 0 4 4 16 और 4 से 24 और 125 और ये हो जाएगा प्लस 4x/1 में क्या हो जाएगा 100, ये 100 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, ये हो जाएगा 5120 प्लस 2x ग्रेटर देन 2560 प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक साथ लिखेंगे, देखिए आगे, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर वाले को नंबर वाले तरफ 5120 प्लस इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2560 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x। आगे देखिए, अब इसको यहाँ पे माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 में से 12 में 6 जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों को 10 10 में से 5, ये 2 में से 2 गया तो हो गया 0, 2 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा हम लोग कितना 10 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x में से 2x जाएगा तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x के साथ यहाँ पे क्या है, 2 क्या है पॉजिटिव में है, इसको इधर हम लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं इधर, ये हो जाएगा 2560 / 2 x हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1280 हो जाएगा, यानी कि 1280 ये हो जाएगा x। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, x का वैल्यू जो है सो मतलब 1280 से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1280 ग्रेटर देन x है ना, x की तरफ यहाँ पे क्या है मुंह क्लोज है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, x छोटा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा 1280 हो जाएगा। फिर से आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है 1280 ग्रेटर देन x है, इसका मतलब देखिए x के तरफ यहाँ पे क्या है, इसका मुंह क्या है क्लोज है, यानी कि x क्या है लेस है, इसको ऐसे भी प्लॉट कर लिख सकते हैं कि x लेस देन 1280। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखिए आगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हम लोग ये था कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x
लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, यही था हम लोगों को इक्वेशन 2 था। अब देखिए इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस से 8% का मतलब हो गया 1/100, ऑफ का मतलब हो गया इंटू ये 640 प्लस 2% का मतलब हो गया 1/100, ऑफ मतलब हो गया इंटू ये एक्स लेस देन 6, इंटू परसेंट का मतलब 1/100 और इंटू ये हो जाएगा 640 प्लस एक्स। सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन हंड्रेड हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 8008 4 32 और ये हो जाएगा 8 6 48 और 35120 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 2x, ओके लेस देन हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 ये 0, 6 4 24 और 6 6 36 और 2 38 प्लस ये हो जाएगा 6x अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ये 100 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही में ही है। आगे देखिए ये हो जाएगा 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। अब क्या कीजिए नंबर वाले को नंबर वाले तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x प्लस 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2x उधर भेजे हैं, देखिए यहाँ पे ये है हम लोग को माइनस 2x। आगे देखिए इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा 0, 12 से 4 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग कितना 8 हो जाए, देखिए 12 में से हम लोगों को 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है 10, 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, 1280 हो जाएगा लेस देन ये हो जाएगा हम लोगों को 4x। अब देखिए यहाँ पे x के पीछे में पॉजिटिव नंबर, इसको डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1280 बाई में 4 लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो जाएगा 4 3 जा 4 2 जा 0, ये क्या कर रहा है 3 2 0। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब समझिए क्या कर रहा है कि देखिए x के तरफ यहाँ पे क्या है इसका मुंह क्या ओपन है यानी कि x बड़ा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन कितना हो गया 320, या फिर समझिए कि 320 लेस देन x, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसका मुंह जो है x के तरफ क्या है ओपन है, इसका मतलब x क्या बड़ा है, इसको ऐसे लिख दिया x ग्रेटर देन 320। अब क्या करता है यहाँ पे कि x का वैल्यू 320 से बड़ा लेकिन क्या है 1280 से इसका क्या है वैल्यू लेस है, ओके लास्ट में यहाँ आप लिख लीजिए कि देखिए जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट निकला x का वैल्यू जो है 320 से हो गया बड़ा लेकिन लेस कितना से हो जाएगा 1280 से, ओके और लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, देखिए आगे लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2% सॉल्यूशन इज एडेड टू इज एडेड वॉल्यूम ऑफ 2% सॉल्यूशन टू बी एडेड लाइज बिटवीन 320 लीटर एंड 1280 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2% जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम कितना परसेंट ऐड करना है 320 लीटर से लेके 1280 के बीच में हम लाई करेंगे तब इसका रिजल्टिंग मिक्सचर जो है तो उतना हम लोगों को हो जाएगा 4%, कितना था यहाँ पे हम लोग को दिया गया था 4% से बड़ा लेकिन 6% से लेस, ओके। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।